दोस्तों आज मैं आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं, जो कि एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन है और ये आपको सिर्फ 9500 रुपये में मिल जाता है। और इसकी कल यानी कि 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पे इसकी फ्लैश सेल चालू होगी, तो चेक कर लीजिएगा। और ये पीछे कुछ इन्होंने जो भी लिख रखा है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो चलिए फटाफट से बॉक्स खोलते अपना फ़ोन निकालते हैं। तो ये रहा हमारा फ़ोन, पीछे देख सकते हो AI क्वाड कैमरा, ट्रिपल LED फ्लैश, एक फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, तो काफ़ी अच्छी बात है। और बॉक्स में एक माइक्रो USB केबल मिल जाता है, जो कि अगर टाइप सी होता तो काफ़ी अच्छी बात थी। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा अडाप्टर, यानी कि कोई इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, तो ये कमी लग रही है मुझे इसमें। बाकी यहाँ पे सिलिकन केस दे रखा है ट्रांसपेरेंट वाला, और ये एक यूज़र मैनुअल दे रखा है, और ये एक वारंटी कार्ड भी है इसमें, और ये रहा एक पता नहीं क्या है एक्स क्लब करके कुछ, तो इसको बाद में देखेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। तो इन सबको करते हैं साइड में। ये रहा हमारा फ़ोन, तो सबसे पहले तो स्टिकर निकालना होगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, जो कि बिल्कुल शाइनी, इसमें अपना चेहरा तक देख सकते हो। और ये मैंने इसमें ग्लास चढ़वा रखा है दुकान से, तो ये कुछ एयर आ चुका है इसमें, एयर बबल्स, तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा फ़ोन दिखता है। और यहाँ नीचे स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट, माइक और ऑडियो जैक, और ये साइड में देख सकते हो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स, और ये साइड में ट्रे दे रखा है सिम ट्रे। तो यही कुछ था, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेन जो है ये पंच होल डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो तो लुक में कितना अच्छा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको सेटिंग में चलता हूँ, अबाउट में दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा सब कुछ, 464 वेरियंट है हमारा, 5000 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर डिवाइस नेम मॉडल एंड्रॉयड वर्जन 10 है। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, इस पर आपको अगर बार बार क्लिक करोगे देख सकते हो ओपन हो चुका है। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड वर्जन 10, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अभी तो शायद एंड्रॉयड 11 भी आ चुका है, बट इसमें एंड्रॉयड 10 दे रखा है। और भी यहाँ पे दे रखा है बैटरी लाइफ, तो इसमें AI स्मार्ट पावर से पावर सेविंग दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें आपको दिखाएगा कितने घंटे बैटरी चलेगी, और आप अपने बैटरी बैकअप को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो ये एक इसमें फ़ीचर दे रखा है। बाकी यहाँ पे नीचे अगर दिखाऊँ तो स्टोरेज देख सकते हो 64 GB और 4 GB रैम, और यहाँ पर सिक्योरिटी में भी सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी मिल जाता है आपको। और नीचे करूँ तो आप देख सकते हो यही सब कुछ है इसमें, जो कि बाकी फ़ोन्स में होते हैं। तो इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा दे रखा है, जैसे स्मार्ट पैनल हुआ, सोशल टर्बो हुआ, और भी बहुत कुछ है। गेम मोड भी दे रखा है आप, यानी कि गेम काफ़ी अच्छे से खेल सकते हो, लैग नहीं होगा। और ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सारा ऐप्स इसमें पहले से इनबिल्ट है, तो ये आप देख सकते हो। जो भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है इसमें, एक है शेयर चैट, तो इसको कर देते हैं अनइंस्टॉल, क्योंकि ये बैन हो चुका है हमारे इंडिया में, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पे आप, मैं कैमरा दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो AI कैम दे रखा है, यानी कि AI कैमरा, और यहाँ पे बहुत सारा मोड भी दे रखा है, ब्यूटी मोड, बोके मोड, AR शॉट। तो इसमें आप AR देख सकते हो, यहाँ पे आप स्टिकर वगैरह किसी को लगा सकते हो, जैसे कि चश्मा पहनाना हुआ, टोपी पहनाना हुआ, या फिर कुछ भी हो गया। और एक पैनोरामा मोड, जो कि सभी में होता है। और ये मैं आपको फ्रंट नहीं दिखा सकता, बाकी आप बैक देख सकते हो, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे दे रखा है। तो मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ पहले। तो ये पिक्चर साइज आप यहाँ पे देख सकते हो 8 MP, तो ये रहा 13 MP सबसे ऊपर वाला देख सकते हो। तो यहाँ पे यही सब कुछ है, बाकी कैमरे में बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मैं आपको सिम ट्रे दिखा देता हूँ। तो ये 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड के लिए यहाँ पर दे रखा है, तो ये इंडियंस की ज़रूरत होती है, तो आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा है। और ये रहा हमारा मेन फ़ोन, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये एक सोशल टर्बो इसमें करके दे रखा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का कुछ है। तो इसके लिए यहाँ पे शायद हमें इंस्टॉल व्हाट्सअप, तो चलिए इसको बाद में देखते हैं, पता नहीं क्या है, बट है तो काम का ही चीज़। और यहाँ पे एक दे रखा है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको कोई एक्सटर्नल ऐप जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, जो कि ऐप लॉक होते हैं। तो यहाँ पर आप ऐप लॉक जो है आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक यहाँ पे दे रखा है AI गैलरी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि आप फ़ोटो वगैरह एडिट कर सकते हो, आपको फ़ोटो एडिट करने की कोई एक्स्ट्रा ऐप ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें पहले से दे रखा है। तो ये मैं आपको एक कैमरे का यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव फुटेज, देख सकते हो यहाँ पर 4x जूम होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कलर करेक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है इसमें। और इसका फ्रंट कैमरा 8 MP और रियर कैमरा 13+2+2 है। और यहाँ पे मीडिया टेक का हीलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी दे रखा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आप सब कुछ देख ही सकते हो।
और दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, ऊपर यहाँ देख सकते हो आपको एक LED फ्लैश मिल जाता है जिसे आप रात में सेल्फी लेते वक्त या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी तगड़ा फ्लैश है इसमें, काफ़ी अच्छा है, बाकी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक बात बताना आपको मैं और भूल गया, देख सकते हो यहाँ पे ये रहा AI 3D फेस ब्यूटी, यानी कि आप चेहरा या फिर कमर हुआ, आपका चेस्ट हुआ या फिर हाथ पैर कुछ भी, आप उससे पतला लंबा चौड़ा मोटा या कुछ भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे एक माइक्रो लेंस भी दे रखा है जिससे फूल वगैरह हुआ फिर किसी भी चीज़ का नज़दीक से बिल्कुल फ़ोटो ले सकते हो। और इसमें DTS स्पीकर के साथ आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी जो कि 5000 mAh की है। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन है। और इसका एक वेरिएंट और भी जो कि 48 MP का है, बस वो आपको 10,500 का मिलेगा, यानी कि 1,000 इससे ज़्यादा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरीके की और वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लूट ऑफर्स और ट्रिक्स के बारे में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।